तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो प्रिज्म की रिफ्रैक्शन कैसे होती है। अगर आपके पास ये एक प्रिज्म है और इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा चलता है, अगर आपके पास ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में आपने लाइट को क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, ये नॉर्मल है, लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर इस पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट डेंसर टू रेरर आ रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल, और लाइट इस तरीके से बाहर आ गई। लाइट एंटर करती है, रिफ्रैक्शन होती है, फिर रिफ्रैक्शन होती है और बाहर आ जाती है। अगर आपकी लाइट सीधी की सीधी आती, ऐसे आती, तो इस केस में लाइट की रिफ्रैक्शन ना होती तो लाइट सीधी चली जाती। पर लाइट फाइनली कैसे गई, लाइट ऐसे गई आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो इस रास्ते से कितना डेविएट हो गई, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सीधी जाने की बजाय ऐसे चली गई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप ये डायग्राम चेक कर लें, ये डायग्राम आपको पेपर में बनाना भी आ सकता है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लाइट आई, ये इसका नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसका नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये देखो लाइट बेंड हो गई, नॉर्मल के साथ इस लाइट ने एंगल रिफ्रैक्शन बनाया, फिर ये भी डॉटेड लाइन नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल को मिला लिया हमने ओ पॉइंट पे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है, जो कि कई बुक्स इसको ई लिखती हैं, कई आई टू लिखती हैं। तो लाइट एंटर करती है, ये रिफ्रैक्शन एक हुई, एक रिफ्रैक्शन में आई वन आर वन एंगल है, दूसरी रिफ्रैक्शन में आर टू आई टू एंगल है, और ये नॉर्मल्स को ड्रॉ किया, लाइट को ऐसे जाना था पर लाइट अल्टीमेटली यहाँ गई, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, डेविएशन डेल्टा। क्योंकि लाइट ऐसे जाना चाहती थी पर लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ चली गई, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। ज्योमेट्री क्लियर है सबको, ठीक है। इसका मैथमेटिकल पोर्शन देख लें, मैथमेटिकल पोर्शन में रिजल्ट नंबर वन, ये जो एंगल है आई वन है, पाई वर्टिकली ऑपोजिट, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई वन है। इसमें से ये वाला एंगल कितना है, आर वन है, आई वन में से आर वन गया तो बचा हुआ एंगल आ गया जो कि कितना कहलाएगा, आई वन माइनस आर वन, आई वन माइनस आर वन, सही है। फिर इधर ये एंगल आई टू है, अगर ये आई टू है तो फिर ये पूरे का पूरा कितना है, आई टू है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें से ये कितना है, आर टू है, तो फिर ये वाला एंगल कितना हुआ, आई टू माइनस आर टू, सही है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल में डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो पहला रिजल्ट क्या बनेगा, डेल्टा किसके इक्वल है, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। जो डेल्टा एंगल है, डेल्टा एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम, राइट, क्लियर है। इस राइट एंगल, ऐसे इस ट्राइंगल में डेल्टा इन दोनों के सम के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल आई वन माइनस आर वन है, क्योंकि ये एंगल आई टू माइनस आर टू है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है, आई वन माइनस आर वन और आई टू माइनस आर टू। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये आपका पहला रिजल्ट है। इसके अंदर आप आई वन आई टू को यहाँ लिख लें, आर वन आर टू को यहाँ लिख लें, तो डेल्टा की क्या आ गई, वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। इसे हाईलाइट कर लें, इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये रिजल्ट है। मैं डेल्टा को यूज करूंगा न्यूमेरिकल्स में, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा, अब एक चीज मुझे बताएं, इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल आर वन आर टू एंड ओ, इसका सम क्या है, 180। आर वन आर टू और ओ का सम क्या है, 180। अब मुझे ये भी बताएं, ये तो एक वैल्यू आई गई, ये रही, आर वन प्लस आर टू प्लस ओ इज इक्वल टू 180। अब ये बताएं, अगर मैं फोर साइडेड फिगर लेता हूं, ये वाली, इस फिगर में नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल भी कितना है, 90, तो फिर ये और ये सम क्या होगा, 180। तो चार एंगल्स हैं, चारों में से दो एंगल का सम 180, तो बचे हुए दो का सम भी 180, तो इसका मतलब ए और ओ का सम भी 180। ये देखो, एक रिजल्ट क्या आ गया, एक रिजल्ट आया ओ आर वन आर टू का सम 180, एक रिजल्ट आया ए और ओ का सम 180। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ओ से ओ क्या हो गया, कैंसल,
और एक रिजल्ट आ गया, इसे अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, R1 + R2 = A, इसे बॉक्स में डालो और इसे हाईलाइट करो। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आया, R1 और R2 का सम प्रिज्म के अंदर किसके इक्वल होगा, A के इक्वल ही होगा। तो R1 + R2 = A, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप भी क्लियर है, R1 + R2 का सम A। हमने डेविएशन की वैल्यू क्या निकाल रखी है, I1 + I2 - R1 + R2। R1 + R2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, A, हाईलाइट करो फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलाज आपको न्यूमेरिकल्स में सारे पता होने चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको इसकी जगह A पता होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, हाईलाइट कर लें इसे, ये रिजल्ट भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, अब पहली सरफेस के ऊपर मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं, म्यू क्या है, sin I1 / sin R1, और कई बार जो प्रिज्म होते हैं वो क्वेश्चन में मेंशनड होता है, कंसिडर अ थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के एंगल बहुत छोटे होते हैं, वो लिखेगा मेंशन करेगा, अगर वो अकेला प्रिज्म है वो थिन नहीं है, लेकिन अगर वो लिखता है कंसिडर थिन प्रिज्म, मतलब उसके एंगल बहुत छोटे हैं, और एंगल छोटे हैं, sin I1 को I1 लिख सकते हैं, sin R1 को R1 लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं लिखेंगे, अगर वो थिन प्रिज्म यूज करेगा वर्ड तो ही ये थ्योरी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो थिन प्रिज्म में I1 किसके इक्वल है, μ × R1, और सिमिलरली I2 किसके इक्वल है, μ × R2। डेविएशन का ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है अभी, डेविएशन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, I1 + I2 - A, ये निकाला था अभी हमने। I1 की जगह क्या पुट करेंगे, μ × R1, I2 की जगह μ × R2, म्यू कॉमन आ गया, R1 और R2 का सम भी A है, A कॉमन आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट तब यूज करेंगे, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे, लिख लेना यहां पे साइड पे, इन केस ऑफ थिन प्रिज्म ओनली, सब में नहीं लगेगा। तो आपको न्यूमेरिकल में प्रिज्म के डेविएशन पूछने का न्यूमेरिकल आएगा, वो कहेगा जी मेरे को तो डेल्टा निकाल दो। नॉर्मली तो डेल्टा का ये फॉर्मूला यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, नॉर्मली तो डेल्टा ये यूज होता है, पर अगर कहीं उसने थिन प्रिज्म वर्ड यूज कर दिया और आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया, फिर आप ये यूज नहीं करेंगे, फिर आप ये यूज करेंगे, लेकिन ये हर प्रिज्म में यूज नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 99% यही यूज करेंगे, 100 में से 2 न्यूमेरिकल होगा थिन प्रिज्म का, उसमें ये यूज करेंगे, हर में नहीं यूज करेंगे। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो न्यूमेरिकल में ये बोलेगा, गिवन रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, तो इसका मतलब 2 रिफ्रैक्टिंग एंगल्स हैं, इनका सम इज इक्वल टू 60, इंपॉर्टेंट है। कई बार बंदा पूछ लेता है रिफ्रैक्टिंग एंगल तो दो हैं, R1 भी है और R2 भी है, मैं कौन सा लूं, आपने दोनों का सम लेना है, दोनों का सम इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल की जगह एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक ही बात है, क्योंकि R1 और R2 का सम किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो R1 + R2 भी 60 है, A भी 60 है, क्लियर है यहां तक। जब रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेगा तो कैसे करने बात समझ में आती है, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये फॉर्मूलाज क्लियर है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तो बेसिकली कुछ नहीं है, तो फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेशन कैसे निकलती है। इसके बाद जो ये जो इसकी कॉन्टिन्यूशन में टॉपिक है, इसको बोलते डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला, पेपर में आ सकते हैं, NCERT में डेरिवेशन आ सकती है, और रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लैब में एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला क्या करता है, प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताता है क्या होगी, प्रिज्म फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताएगा क्या होगी। प्रिज्म फॉर्मूला अगर यूज करना है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब पॉइंट ये है, आपके पास ये एक प्रिज्म है, आपने लाइट को यहां इंसिडेंट करवाया, ये नॉर्मल है, लाइट गई और बाहर आ गई, राइट, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, और ये एंगल ऑफ एमरजेंस है कितना, I2, ऐसा केस हुआ। अगर मैं यहां से I1 चेंज कर दूं तो यहां से I2 चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं यहां I1 चेंज करूं और अगर मैं ये पूछूं डेविएशन कितनी है, तो डेविएशन ये एंगल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। अगर मैं पीछे से I1 की वैल्यू चेंज करूं तो मेरा I2 चेंज होगा, ये पाथ भी चेंज होगा, ये पाथ चेंज होगा, यहाँ से डेविएशन भी चेंज होगी। I1 हिलाऊंगा तो I2 हिलेगा, I2 हिलेगा तो डेल्टा भी हिल जाएगा।
तो बात समझ में आ रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं क्या एंगल रखूं आई वन, आई वन की क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं क्या रखूं कि मेरी जो डेविएशन है वो क्या रहे, कम से कम रहे, जिसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। हर एंगल पर डेविएशन मिनिमम नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, पर मैं ये चाहता हूँ डेविएशन क्या हो, मिनिमम हो। तो अगर मान लो मिनिमम डेविएशन है, आप चाहते हो कि डेविएशन कम से कम हो, लाइट कम से कम बेंड हो, मिनिमम डेविएशन हो, तो तीन कंडीशन याद रखना। ये लैब से आया हुआ, एक्सपेरिमेंट से आया हुआ रिजल्ट है, इसका प्रूफ नहीं दे रहा, ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये आपकी लाइट आई नॉर्मल इस तरफ गई, ये इस तरफ गई, और फिर ये नॉर्मल और ये बाहर चली गई, सच दैट ये जो एंगल है ये क्या आए, मिनिमम। तो रूल नंबर वन, ये आई वन और ये आई टू, रूल नंबर वन, आई वन हमेशा आई टू के इक्वल ही होगा। तो पहली कंडीशन है, अगर आप डेविएशन को क्या चाहते हैं क्या हो, मिनिमम, तो पहली कंडीशन है आई वन और आई टू हमेशा बराबर होंगे। ये लैब में एक्सपेरिमेंट आता है प्लस टू के अंदर, मुझे पता नहीं आपको करवाया कि नहीं करवाया, लैब एक्सपेरिमेंट करवाया होगा, उसमें यही चेक होता है कि आई वन आई टू के इक्वल है तो डेविएशन मिनिमम आएगी। और दूसरी कंडीशन है आर वन आर टू के इक्वल होता है, अगर आई वन आई टू के इक्वल है, आर वन आर टू के इक्वल है, तो डेविएशन मिनिमम आएगी। तीसरी कंडीशन, जब डेविएशन मिनिमम आएगी तो आपकी ये जो लाइट जा रही हो, ये जो रे ऑफ लाइट है ना जो अंदर जा रही है प्रिज्म के, ये और बेस हमेशा पैरेलल में होंगे, ये टेढ़ी नहीं जा सकती। अगर डेविएशन मिनिमम है तो प्रिज्म के अंदर ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, बेस के पैरेलल जाएगी, इससे पता लग जाता है कि डेविएशन मिनिमम है। तो मिनिमम डेविएशन की तीन शर्तें हैं, पहली आई वन आई टू के इक्वल है, आर वन आर टू के इक्वल है, और ये रे इस बेस के साथ क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो डेविएशन मिनिमम है। और अगर ये लैब में पैरेलल नहीं गई तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, डेविएशन मिनिमम हो ही नहीं सकती, राइट। एक मशीन है जो प्रिज्म के ऊपर काम करती है, डेविएशन निकालती है, उस मशीन को स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, पर लेकिन अगर कोई वर्ड यूज़ करे, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, कंसिडर स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, घबरा मत जाना, यही टॉपिक है, थ्योरी स्पेक्ट्रोमीटर की यही है, तो कोई नई थ्योरी नहीं है। वो प्रिज्म जो हम करने जा रहे हैं, ये टॉपिक का नाम क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला। तो स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म फॉर्मूला ही निकालता है। तो इसके अंदर प्रिज्म फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, तो प्रिज्म फॉर्मूला है क्या चीज, इसको डिस्कस करते हैं। जब मैं वर्ड प्रिज्म फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो डेविएशन एज्यूम करूँगा कि मिनिमम ही होगी, और मिनिमम डेविएशन तब होगी जब आई वन आई टू के इक्वल होगा, आर वन आर टू के इक्वल होगा। और अगर आर वन आर टू के इक्वल है तो लेट अस सपोज आर वन आर टू इज इक्वल टू आर। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था थ्योरी में, आर वन प्लस आर टू का सम क्या है इसमें, ए, आर वन और आर टू का सम क्या है, ए। लेकिन आर वन आर टू तो बराबर है आर एंड आर, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई टू, आर इज इक्वल टू ए बाई टू। मैंने आपको डेल्टा क्या बताया था, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, पर क्योंकि डेविएशन मिनिमम है तो आप आई वन आई टू को आई पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर डेल्टा के पैर में क्या डालना पड़ेगा, मिनिमम। क्योंकि अगर आई वन आई टू बराबर नहीं है फिर मिनिमम नहीं है, पर आई वन आई टू बराबर कर दिया, आई पुट कर दिया, तो ये मिनिमम है। यहाँ से सॉल्व करके आई निकाल लें, ये सॉल्व करके आपने आर निकाल लिया। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, आई की ये वैल्यू पुट कर दें, आर की ये वैल्यू पुट कर दें, बॉक्स में डाल लें, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, जो म्यू की वैल्यू निकालता है, ऐसा ही है, तो म्यू की वैल्यू निकालता है प्रिज्म फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक। तो प्रिज्म फॉर्मूला का फॉर्मूला याद करें, पेपर में ड्राइव करने को आ सकता है, जब पेपर में ड्राइव करने को आएगा तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है, ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम में ये सब रिजल्ट लिखने हैं, यहाँ तक रिजल्ट लिखने हैं, कॉन्टिनेशन में ये मत लिखना चाहिए, यहाँ तक रिजल्ट लिखने हैं, डेल्टा की वैल्यू है, फिर उसके बाद मिनिमम डेविएशन का केस लिखना है, फिर कंटिन्यू करके यहाँ तक करके आना है। ये मत सोचना कि सिर्फ यही पार्ट करना है, शुरू से लेकर एंड तक सारा करना है, और ये आ सकती है डेरिवेशन आपके बोर्ड में, क्लियर है यहाँ तक। फिर ये ऑब्जेक्टिव में, नीट में, मेंस में, एनसीईआरटी में इसका ग्राफ भी आता है प्लॉट करने को, और स्कूल में लैब के अंदर भी अगर आप प्लॉट करने को आता है, वो क्या, वो ये कहते हैं कि अगर मान लो ये डेल्टा है, ये आई है, तो तुम डिफरेंट आई की वैल्यूज पे डिफरेंट डेल्टा अचीव करते हो,
और डेविएशन की वैल्यू जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो डेविएशन कम 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 होती जाती है, एक ऐसी वैल्यू आती है, ये कौन सी वैल्यू है, जिसमें आई वन किसके इक्वल है, आई टू, व्हेन आई वन इज इक्वल टू आई टू, तो डेविएशन क्या हो जाती है, मिनिमम, उसके बाद फिर मिनिमम नहीं रहती। तो ये ग्राफ का वेरिएशन ऐसा आता है, जो आई और डेल्टा का ग्राफ प्लॉट करते हैं लैब में तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सीधा मार्क करने को आएगा आपको, सिंपली ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ग्राफ देख के मार्क कर देना है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, प्रिज्म फॉर्मूला क्लियर है? लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करना जब उसने मेंशन किया होगा डेविएशन मिनिमम है। अगर डेविएशन मिनिमम मेंशन नहीं हुआ मत यूज़ करना, गलत हो जाएगा। फिर ये यूज़ करना, फिर ये यूज़ करना, फिर ये थ्योरी यूज़ करना, नीचे वाली मत यूज़ करना। अगर डेविएशन मिनिमम है हाँ, फिर ये यूज़ करना, आंसर आएगा। क्लियर है?